नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी में मौजूद हैं और मेरे साथ व्यापारी समीप भाई है। काफ़ी दिनों के बाद कैमरे पे आ रहे हैं। क्या समीप भाई, लहसुन का बाज़ार क्या कह रहा है? लहसुन का बाज़ार आज भी समान ही है, 2-3 रुपये लटक है, इतना कोई फर्क नहीं है। कौन कौन सी वेरायटी किस किस भाव जा रही है अभी? आज यहाँ नीमच में कोटा का माल भी आया है। कोटा की जो लॉटरी होती है वो आई है, तो उसकी रेंज है 70 रुपये से लेके 80 रुपये के बीच में उसकी रेंज देखी गई है। आज जो बिका है 7,000 से लेके 8,000 रुपये है। बाकी जो लहसुन है उनका क्या हिसाब? बढ़िया स्टॉक लायक मीडियम बिकी है 10,000 रुपये, और देशी में बढ़िया बेस्ट माल 10,000 से लेके 20,000 रुपये बिका है। स्टॉक लायक जो माल आता है बढ़िया बॉक्स पैकिंग देशी, और ऊटी बिका आपके नीचे में 7-8 हज़ार, ऊपर में 30,000, कोई स्पेशल 41-42 हज़ार रुपये तक बिके हैं। हाँ अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था, जैसा आपने कहा था अनुकूल वैसा ही बाज़ार दिखाई दे रहा है, जो आपने पूर्वानुमान लगाया था वो सटीक बैठ रहा है, और अब आने वाला आपका पूर्वानुमान क्या लग रहा है? आने वाला समय भी अच्छा ही है, और ये तो क्या है अभी मंडियाँ बंद चालू है, उससे थोड़ा रश ज़्यादा है, और जब 1 तारीख से मंडी रेगुलर हो जाएगी ना तो आवक न्यूनतम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो जिन लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है वो लोग आ भी रहे हैं, और घबराहट भी है लोगों को कि बाज़ार घट नहीं जाए इसके डर से हमारे बेच रहे हैं। और कुछ देखो आप, ये देखने में आ रहा है काला पड़ रहा है माल, तो पीलासपन पड़ रहा है, ये पीला पड़ रहा है, काला पड़ रहा है, सेंटेड हो रहा है, तो ये हर आदमी माल बेच रहा है। ये देखो इधर ये काला हो रहा है, ये बीमारी जो ज़्यादा आ रही ना इस वजह से लोग बेच रहे हैं। ये इसका क्या कारण है, मतलब इसकी वजह से गीला बरसात जो गिरी थी आखिरी में, माल जब कटाई खेतों में चल रही थी जब उस समय जो पानी लगा हल्का, तो उससे माल काला भी पड़ गया और डैमेज भी हो गया, और इसको आदमी रोक नहीं सकता, इसको बेचना ही पड़ेगा, उसको बाजार भाव। तो भी ये किस दाम में जा रहा है ये अभी? इसके अंदर तो क्या है, ये काला है, काला वाला माल तो कम बिकता है, बाकी इसमें जो मिक्स है सब, तो ये 7,000 से 8,000 के बीच में बिकता है। मतलब कुल मिला के इसके भी दाम काफी बेहतर मिल रहे हैं। भाऊ जी कहाँ से आए आप? वालसा से। क्या क्या लेके आए आप? लहसुन। क्या बिक गई कि बिकनी बाकी है? बाकी है, अभी बिकना बाकी है। कहाँ पड़ता है पालसा आपका? पालसा पड़ता है ये बीजेपुर के उली तरफ, 12 किलोमीटर उली तरफ। कौन सी वेरायटी की लहसुन है? ऊटी। तो क्या उम्मीद लग रही, कितने तक चला जाएगा? जाएगा 20-22-25 तक। कुल मिला के अभी जो दाम मिल रहे हैं उससे संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, बढ़िया मिल रहा है। मतलब जो बात भाव लगातार नीमच मंडी में मिल रहा है, अच्छे भाव मिल रहे हैं, किसान काफ़ी लोगों से बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है बहुत। तो आपकी हो गई बिक्री? हाँ हो गई ना। क्या भाव गई? 23,000। क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो थी 25 की, देसी थी ऊटी। 25 की उम्मीद थी। तो भी जो मिले वो उससे क्या संतुष्ट है कि नहीं? पालसा से। अच्छा, एक ही गांव के आप लोग? ठीक है, तो कुल मिला के जो दाम मिले हैं उससे काफ़ी हद तक किसान संतुष्ट है, और लगातार जो आवक है वो भी इन दिनों मंडी में ज़्यादा देखी जा रही है। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स टीवी, नीमच।